नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। मैं अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। आप लोग तो जानते ही हैं, इंडिया में 95% फ़ोन से ही ये वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। मैं आपके लिए 6 ऐसे ऐप लेकर के आया हूँ जो हर यूट्यूबर के पास होता है और होना भी चाहिए, जो भी फ़ोन से वीडियो एडिटिंग या वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन से ऐप का आपको यूज करना है। तो फर्स्ट में है वीडियो बनाने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ओपन कैमरा। सारे लोग अब फ़ोन के प्राइमरी कैमरे से ही वीडियो बनाते हैं, बट उससे वॉइस क्लियर नहीं आता है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ओपन कैमरा, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सारे ऐप का बगल में स्क्रीनशॉट दिखा देगा, तो मैं ओपन कैमरा को ही रिकमेंड करूँगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में आपको वीडियो एडिटिंग के लिए ऐप ज़रूरी है। तो मैं वीडियो एडिटिंग के लिए 2-3 ऐप के नाम बताऊँगा, वो आप यूज कर सकते हैं। पहला है जो काइन मास्टर, और दूसरा है पावर डायरेक्टर, और तीसरा है फिल्मोरा गो। वीडियो एडिटिंग के लिए ये 3 ऐप बहुत ही बेस्ट है। मैं जो नेक्स्ट ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर यूट्यूबर के पास ये ऐप होता है और हर यूट्यूबर्स के पास होना ही चाहिए। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उसका जो ऊपर थंबनेल होता है, थंबनेल बनाने के लिए ये ऐप बहुत ही बेस्ट है। जो आप देख रहे हैं पिक्सेल ऐप, बहुत ही बेस्ट है। वीडियो बनाने के बाद आप थंबनेल जो लगाते हैं, इससे भी आप बहुत ही अच्छा है थंबनेल बना सकते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। तो मैं भी इसका भी यूज करता हूँ, और आप भी इसका ही यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल बना सकते हैं, मुझसे बेस्ट बना सकते हैं। अगर आपको थंबनेल बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए इस पे वीडियो लाऊंगा। तो कैसे थंबनेल बनाया जाता है मैं बताऊंगा। नेक्स्ट ऐप स्क्रीन रिकॉर्डर, जिससे आप कुछ भी स्क्रीन पे फ़ोन में रिकॉर्ड करके वीडियो में ऐड करके बनाते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डर का उपयोग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट ऐप YT स्टूडियो, जिससे आप YT स्टूडियो से आप सारा अपना चैनल का डिटेल्स दे सकते हैं, किस वीडियो पर कितना व्यू आया है, मेरा कितने सब्सक्राइबर है, कितना वॉच टाइम है, कितने अर्निंग हुई है, सारा डिटेल्स YT स्टूडियो मिल जाता है। YT स्टूडियो हर यूट्यूबर के पास होता है, चाहे वो वीडियो मोबाइल से बनाए, चाहे वो कैमरे से बनाए, YT स्टूडियो सब हर एक यूट्यूबर के पास होता है। नेक्स्ट ऐप के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है टैग यूट्यूब। टैग यूट्यूब, इस ऐप के माध्यम से आप वीडियो का टैग सर्च करके, खोज करके अपने वीडियो में टैग ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप है, मैं भी इसका यूज करता हूँ टैग सर्च करने के लिए, कि इस वीडियो में टैग कैसे सर्च करें। इस पे अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस ऐप का सारा डिटेल्स बताऊँगा। और नेक्स्ट ऐप है सब्सक्राइबर काउंट, इससे आप अपना मोबाइल स्क्रीन पे आप जैसे देख पा रहे हैं इस तरह से आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पे आपको सब्सक्राइबर काउंट दिखाएगा, कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर घट रहे हैं, सारा डिटेल्स इस ऐप में मिल जाता है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले अपडेट आपको प्राप्त हो। तो मैं इसी तरह के वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो 1 लाख जरूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो पे 50 लैक्स 50 लैक्स सिर्फ आपसे, आप लोग से खोज रहा हूँ। आप लोग मेरे प्यारे दोस्त हैं, आप लोग कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।